My dear student, I'm Ajay Mishra, so my YouTube channel UPS Study. So all the formula menstruation part, it is regarding and asked in the all examinations. So you have to understand, first is this is the 3D, three-dimensional figures. We will discuss some questions and as well we will also learn formula. So first one is the cube and cuboid. तो क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे. क्यूब में पहला चीज हम लोग, क्यूब प्रत्येक सरफेस जो है स्क्वायर होता है. तो अगर पहला स्क्वायर होता है तो इसका मतलब यहाँ पे सिक्स है, तो क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा इसका एरिया, हो जाएगा सिक्स. और दूसरा इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब थर्ड है ये सबसे लॉन्गेस्ट रॉड या कुछ भी पूछेगा, इसको डायगोनल बोलते हैं. तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा रूट थ्री ए. तो ये याद रखना है. उसके बाद इसमें क्यूबाइड में क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है. तो ये फर्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा टू इंटू एल बी, एल फोर, एल फोर लेंथ, बी फोर ब्रेथ, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. और तीसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल बी एच, सिर्फ एल फोर लंबाई, वी फोर चौड़ाई और एच फोर ऊंचाई. और तीसरा है हमारा डायगोनल. तो ये भी बहुत बार पूछ देता है डायगोनल, ये वो एल, ये वन, ये बी, ये एच. तो क्या हो जाएगा हमारा ये एच है, तो एच जो है सो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एलिप्शन बन जाता है और हम बनाएंगे. जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, रोनल दिया हुआ है. सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि फोर्थ चैप्टर, चैप्टर फोर का. और ये सभी क्वेश्चन में डायगोनल हमको दिया हुआ, तो डायगोनल क्या होता है, किसी क्यूब का दिया हुआ है. तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, रूट थ्री. रूट थ्री ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, फोर रूट थ्री. तो फोर रूट थ्री जैसे होगा तो क्या होगा, रूट थ्री रूट थ्री कट गया तो ए मिल गया हमको. ए जैसे मिल गया हमको, जो भी पूछेगा निकाल, लेटेस्ट कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, टोटल सरफेस क्या है ये हमारा है. तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा सिक्स इंटू फोर का स्क्वायर. सिक्स इंटू फोर का स्क्वायर, चार चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह, सोलह छः छियानवे, नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन दस में, दस नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बोल रहा है ईच ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाय द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ओरिजिनल और चेंज. तो हम मान लेते हैं पहले जो था वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एक ही था. तो अब ये साइड को क्या किया है, चेंज कर दिया है. तो साइड में कितना चेंज है, 50% का चेंज हुआ. तो मतलब कितना हो जाएगा, न्यू साइड क्या हो जाएगा, न्यू साइड क्या हो जाएगा. अगर हम पहले साइड ए था तब 50% डिक्रीज हो गया, मतलब आधा डिक्रीज कर रहा है. मतलब क्या, ए बाय टू हो रहा है, ए बाय टू ए हो रहा है ना. पहले ए था 50% डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा, वी वन कितना हो जाएगा, ये हुआ ओरिजिनल वी ओ और ये क्या हुआ वी न्यू, वी नया वॉल्यूम. तो इसका तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए बाई टू का होल क्यू, मतलब ए क्यू और दो का होल कितना होगा आठ. और दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो ए क्यू बाय ए क्यू बाय आठ, आठ ऊपर चला जाएगा बाय नीचे वन, ए क्यू कट गया, तो रेशियो मेरा क्या हो गया एट इज टू वन. इस तरह से क्वेश्चन पूछता है. तो कहने का सेंस हमको पकड़ना है, पहले क्या था उसको मान लेंगे, उसके बाद क्या था उसको मान लेंगे, अपना बनाएंगे. उस तरह से दिया हुआ एक ठो और बता देते हैं. जैसे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, जो एल जैसे क्यूबाइड से क्वेश्चन दे देगा, याद रखना ये फर्स्ट फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड क्वेश्चन पूछ देता है. जैसे एल दिया हुआ है चार, बी दिया हुआ है कुछ भी छः पकड़ लो, तो पूछेगा फाइंड लॉन्गेस्ट रॉड इन दिस रूम. मतलब कोई रूम है जिसका लंबाई इतना है, चौड़ाई उतना है, तो लॉन्गेस्ट रॉड का लंबाई कितना होगा. तो कहने का सेंस क्या हुआ, सीधा ये हम डायगोनल लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा डायगोनल, क्या हो जाएगा
अंडर रूट तो हमारा एल क्या, ये हम फॉर्मूला बोल दिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो चार के स्क्वायर कितना होगा, चार के स्क्वायर प्लस पाँच के स्क्वायर, डायरेक्ट पूछ देता है छः के स्क्वायर, तो चार के स्क्वायर कितना हो जाएगा सोलह, पाँच के कितना होगा पच्चीस, छः के स्क्वायर छत्तीस, तो कितना हो जाएगा छत्तीस और ये इकसठ, इकसठ सोलह, इकसठ सोलह छः इकसठ और इकसठ और सोलह ये फॉर्मूला ही पर बेस्ड है, जितना सारा क्वेश्चन है इसी पर बनेगा। तो ये चैप्टर है, जिस चैप्टर में बोर्ड सब पूछता है, तो आई होप दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसको थ्री डी उसके बाद पढ़ेंगे सिलेंडर, इसमें और क्वेश्चन कराएंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, ट्यूब पढ़ेंगे, उसके बाद स्फीयर पढ़ेंगे, यही सब चीज़ है। और उसको मेंस्ट्रुएशन बहुत वाइटल पार्ट हो जाता है, तो आई होप मैं पार्ट वन पार्ट टू करके इस तरह से अपलोड करूँगा वीडियो, और उसको देखने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।